संबल पुलिस ने फोन द्वारा सोने की ईंट बिकवाने का झांसा देकर अपहरण करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने अपहृत युवक को मुक्त करा लिया। एक आरोपी मौके से फरार, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। जनपद संबल के पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुनावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 4 अगस्त को थाना चंदौसी पुलिस को रानी राठौर निवासी मोहल्ला दुर्गा धाम से पुलिस को सूचना दी गई कि उसका पति 2 अगस्त से लापता है। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया। महिला के द्वारा यह भी बताया गया कि एक कॉल से 2 लाख की फिरौती छोड़ने की एवज में मांगी गई है। इस संबंध में एसओजी टीम सदर थाना पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए उसे ट्रेस किया गया और राजस्थान के भरतपुर से अपराध व्यक्ति अजय पाल को बरामद किया गया तथा उसके साथ ही साथ अपहरण में लिप्त अभियुक्त शहरून पुत्र कल्ला निवासी खेड़ला गुमानी थाना जुरहरा जिला भरतपुर राजस्थान को गिरफ्तार किया तथा एक अन्य व्यक्ति वांछित है, जिसको गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। बातचीत में पता चला कि उक्त व्यक्ति द्वारा अजय पाल को सोने की ईंट बिकवाने का झांसा देकर भरतपुर बुला लिया और वह भरतपुर चला गया। अजय पाल को बंधक बनाकर छोड़ने के एवज में परिजनों से 2 लाख की फिरौती मांगी गई। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अपहृत अजय पाल को छुड़वा लिया तथा एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अन्य नेटवर्क की जांच पड़ताल कर रही है। लोगों को ठगी का शिकार बनाकर उनका अपहरण किया करता था, क्या पूरा मामला है सर? 4 तारीख को थाना चंदौसी में रानी राठौर नामक महिला के द्वारा एक पुलिस को सूचना दी कि उसका पति अजय पाल जो है 2 तारीख से लापता है। इस संबंध में तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया और इसमें इसके द्वारा यह भी बताया गया कि एक कॉल से 2 लाख रुपए की फिरौती छोड़ने के एवज में मांगी गई है। उस संबंध में एसओजी टीम और थाना पुलिस द्वारा तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए उसको ट्रेस किया गया और राजस्थान में भरतपुर से जो अपहृत व्यक्ति था अजय पाल, उसको बरामद किया। साथ ही साथ उसके जो अपहरण में लिप्त अभियुक्त शारुण पुत्र कल्ला निवासी भरतपुर को गिरफ्तार किया। इसमें एक अन्य व्यक्ति अज्जू अभी वांछित है, जिसको गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें जो इनसे बातचीत की, उसमें यह प्रकरण निकल के आया कि इसको उक्त व्यक्ति द्वारा सोने की ईंट बिकवाने के झांसे में लेकर वहाँ पर बुलवाया गया था, जिस झांसे में आके ये भरतपुर चले गया और वहाँ पर इन्होंने इसको बंधक बना लिया और उसके परिवार वालों से छोड़ने के एवज में 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी। इस प्रकार के त्वरित घटना में तुरंत रेस्पॉन्स करते हुए पुलिस द्वारा उसको छुड़ाया गया। साथ ही साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और गहनता से पूछताछ करते हुए आगे उसके अन्य नेटवर्क को भी खंगाला जाएगा और विधिक कार्रवाई की जाएगी।